अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, ज़िशान व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम आपको लेके चलते हैं जापान के उन ब्यूटीफुल प्लेसेस पर, जो कि आप लोगों ने शायद देखी भी ना हो, लेकिन मैंने भी नहीं देखी हुई, और मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए स्पेशली और आप सब के लिए ये शूट किया और हम लोगों को दिखाया कि जापान की ब्यूटी क्या है। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, और इस तरक्की याफ्ता मुल्क और इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें ब्यूटी भी बहुत है। जिस तरह पाकिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में है लाइक दिस, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरती, वाटरफॉल, ईच एंड एवरी थिंग। बट ये कि डिफरेंसेस ये हैं कि यहाँ हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, जो कि हर इंसान को पसंद है और होना भी चाहिए। बट हम लोग तो पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो बहुत चेंज नज़र आता है। ये लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं, वहाँ की केयर का ख्याल रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं, इंसानी जान की बहुत कीमत है। ठीक है, यहाँ आप देखें कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे जो शूट करके भेजा है माजिद ने, वो जो मेरे फ्रेंड है, अमूमन अक्सर व्लॉग्स में मैं इनका जिक्र करता हूँ आप लोगों से। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ की ग्रीनरी देखें, ये लाइक फॉरेस्ट है, और इसके साथ ही डैम बना हुआ है। आगे आप देखिएगा कि डैम, अब किसी भी जगह आने के लिए इनका वे चेक करें कि किस तरह इन्होंने खूबसूरती से स्टेयर्स बनाई हुई हैं। हर जगह को इस्तेमाल में भी लिया हुआ है, और लेने के साथ साथ इन्होंने उसके यूजेस भी जो हैं, और क्या कहना चाहिए कि लाइक डैम, जब देखिए डैम है, अब डैम मतलब कवर करता है ना पूरे कंट्री के वाटर को। अब उसको इन्होंने मतलब एज अ तफरीगाह भी बना ली, और साथ साथ अपने यूज़ के लिए भी यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, ये एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है। बस मैंने यहाँ चाहा कि आपको इसकी ब्यूटी आपको दिखाऊं, और क्योंकि मैं भी बहुत इंस्पायर था, मैंने स्पेशली बोला था कि ज़रूर कोई ऐसी वीडियोस बनाकर मुझे सेंड करो जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं और वो भी देखकर खुश हों। कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है ना, मैं अपनी ही रूटीन दिखाता रहूं और अपने ही बारे में बताता रहूं, तो उससे थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। इसलिए मेरे माइंड ने सोचा कि क्यों ना मैं एक चेंज व्लॉग बनाऊं, जिसमें अनदर कंट्री, और स्पेशली वो, क्योंकि जो वहाँ स्पेशली पर्सन फ्रेंड वहाँ रहता है, वो खुद वहाँ जाकर उसे शूट करे, रियलिटी वहाँ नज़र आए। ये देख रहे हैं आप पानी, ये हकीकत है कि मतलब कितनी सफाई, नीट एंड क्लीन, ब्यूटी, मतलब उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ। आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी समझ से बाहर है कि ये यहाँ क्या यही इंसान रहते हैं। पाकिस्तान में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? बस मेरे सवालात यही होते हैं, और वो वहीं पर ही आके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए हम सबको अच्छा होना पड़ेगा, फर्स्ट हमें खुद अच्छा होना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, खैर टॉपिक चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये जो जगह है, जापान का डैम है, और यहाँ एक ही डैम नहीं है, कई डैम हैं इस तरह के छोटे छोटे, और लोग आते हैं यहाँ अपनी तफरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और इन्जॉय करते हैं, साथ साथ अपने मुल्क की वो चीज़ें शो भी करते हैं और देखते भी हैं, दिखाते भी हैं कि हम लोग एक अच्छे कंट्री में रहते हैं। अच्छा, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं कि वो वहाँ रहते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो भी करते हैं, और उनके फॉलो करने से ही इस मुल्क की ये शान है। देखिए ना, अगर हुकुमरान जो हैं वो किसी भी चीज़ को राइज कर देते हैं, लेकिन अगर आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो चीज़ कायम नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह सकती। अब यहाँ मेन क्वालिटी ये है इन लोगों की कि एक माइंड यूज़ करते हैं। इन्होंने एक जंगल में मतलब एक स्पेस देखकर वहाँ डैम बनाया, उसकी खूबसूरती आप देखें, वहाँ पे काम देखें, ये ब्यूटीफुल डैम इन जापान, मैंने लिखकर भी आपको दिखा दिया है, आप देख सकते होंगे। बस जो यहाँ की ब्यूटी कह सकते हैं हम, या फिर अल्लाह की कुदरत है कि हर जगह अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई, और हर जगह को उसको मेंटेन करने के लिए इंसान दिए और उनका दिमाग दिया। ठीक है, अब ये जो टाइम है, यहाँ पे वेदर चेंज हुआ है जापान का, अदरवाइज़ यहाँ ज़्यादातर इन एरियाज़ में स्नोफॉल रहती है, लेकिन जब ये वेदर चेंज होता है, आप सबसे अच्छी बात देखें कि खुशहाल कंट्री की निशानी ये है कि ये लोग जब भी कोई वेदर चेंज होता है तो वीक्सली छुट्टियां दे देते हैं,
कि इनकी आवाम घूमे फिरे, अपने आप को रिलैक्स करे, क्योंकि इंसान की नीड होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। यहाँ आपको टाइम ड्यूरेशन है ऑफिस आवर्स या ड्यूटी के जो आवर्स है 8 आवर होते हैं, बट यहाँ ओवर टाइम चलें, ओवर टाइम के अलावा भी इनकेस अगर कोई मज़दूर नहीं आता या किसी वजह से वो छुट्टी कर लेता है तो दूसरे मज़दूर को 24 आवर काम करना पड़ता है। अब आप ये बताएं कि कितना ये पॉसिबल है और इम्पॉसिबल है, इंसान की अपनी जान के लिए कितनी परेशानी का सामना है। बस यही बताना चाहता हूँ कि मैं क्या, आप लोग भी और यकीनन तमाम लोग जानते हैं कि इंस्पिरेशन ऑफ अदर कंट्री लाइक जापान इज़ अ गुड कंट्री और ब्यूटीफुल भी। अब तक मैंने आपको दिखाया था टोक्यो का रास्ता और टोक्यो जाने तक वहाँ की वो चीज़ें दिखाई थी जो कि स्मोकिंग एरियाज था, वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम्स थे, बस टर्मिनल्स थे। लेकिन यहाँ मैंने जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज है, इसी तरह यहाँ पर ये डैम है, ननकटा डैम, ठीक है। तो मैंने ये दिखाना चाहा आपको कि सिटी लाइफ भी मैं दिखा चुका था यहाँ की, जो कि वे ऑफ टोक्यो था, और अब मैं आपको यहाँ की वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि हम लोगों के यहाँ भी हैं। अगर आप देखें सवाद गए हों या नॉर्दर्न एरियाज नारायण कागन गए हों, एज इट इज़ इसी तरह होता है। लेकिन वहाँ और यहाँ में ये फ़र्क है कि मियाँ काटो डैम, ये मियाँ काटो डैम इसका नाम है, और वहाँ और यहाँ में ये फ़र्क है कि बहुत सारी चीज़ें हैं।
ये प्रीवियस सीन में आपने देखा होगा कि ये एक फेस्टिवल है जो मैंने लिखकर भी दिखा दिया आपको कि जापान में छुट्टियां पड़ी थी तो वहाँ एक फेस्टिवल भी हुआ और उस फेस्टिवल को आपने देखा होगा कि ये लोग किस तरह इंजॉय करते हैं अपनी छुट्टियों को और अपनी जो आवाम है उसको किस तरह ये लोग इंटरटेन करते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब मेरे अपने व्लॉग का एंड हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोगों से खुदाफिज़ कहूँ, बहुत सारी नेक दुआओं के साथ अपना भी ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों की व्यूज़ का। ओके, अपना ख्याल रखें। यहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि लास्ट में जो थोड़ा बहुत इन लोगों ने इंजॉय किया पानी में तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बस आप लोगों के साथ रहकर अच्छा लगता है, आप और मैं और मेरे गाइस नाज़रीन बिल्कुल। यहाँ आप देखें बिल्कुल, चलें जी बाय बाय जापान, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करता है सबके लिए। आप लोगों से फिर मिलूँगा दोबारा, अल्लाह हाफिज़।